समीर यादव जी, पुलिस अधिकारी। समीर यादव जी का जन्म छत्तीसगढ़ के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री बी आर यादव जी के यहाँ हुआ। एक साहित्यकार के घर पुत्र समीर ने कुछ अलग करने का संकल्प लिया और पढ़ाई के साथ साथ अपने आसपास को एक अलग नजरिए से देखने का प्रयास किया। इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति ने उन्हें पुलिस सेवा में जाने के लिए प्रेरित किया। 2002 में आपका चयन डीएसपी के रूप में हुआ। कटनी, जबलपुर, छतरपुर, नीमच, भोपाल, सीहोर में बेहतरीन पुलिसिंग का परिचय दिया। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र महाकौशल, बुंदेलखंड, मालवा में पुलिसिंग की और कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए लोगों को जागरूक कर अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। समीर यादव जी की लिखने पढ़ने में खासी रुचि है। खेल संगीत आपके विषय हैं। आपकी पहचान एक ब्लॉगर, लघु कहानियां लिखने वाले के रूप में है। 2016 में आपकी पुस्तक व्हाइट व्हाट्स एपिया रोमांस शिवना प्रकाशन से प्रकाशित हुई। व्हाट्स एपिया रोमांस समीर यादव की चर्चित पुस्तक है। समीर यादव वर्तमान में विदिशा के एडिशनल SP हैं और दखल परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सबसे पहले तो दखल परिवार और विशेष रूप से अनुराग भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये अमूमन मुझे बोलने की इच्छा थी नहीं, लेकिन दो ऐसे शख्स यहाँ पर मंच पर हैं जो संयोग से मेरी सेवा से जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये कि प्रिय संजय भैया, मेरी कैरियर की शुरुआत हुई थी कटनी जिले से, जो इनकी कर्मभूमि है। उस समय संजय भैया भी अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे थे राजनीति में, युवा नेता थे। तो हम लोग की भेंट अक्सर होती थी और जिस तरह से वो अपने कैरियर में आगे बढ़े, अभी वो फिर से मुझे उलाहना दे रहे थे कि आप तो एडिशनल SP रह गए। जी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा आदरणीय आशुतोष जी से कि मैं कटनी में पेंशनर रहा, फिर वहीं पर मैं STOP सिमनाबाद के रूप में पदस्थ रहा, जहाँ पूज्य दद्दा जी का धाम रहा बाकल। उनके बहुत सारे कार्यक्रम मैंने वहाँ के SDOP रहते हुए संपन्न कराए, ये मेरा सौभाग्य था। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें सुषमा स्वराज जी आई थी। वो पहली बार ऐसा हुआ था कि उस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर और हेलीपैड बना था, हेलीकॉप्टर लैंड किया था। ये लगभग 19-20 वर्ष पहले की बात है। तो आप दोनों शख्सियत से मैं इस तरह से जुड़ा हुआ हूँ और ये बहुत अच्छा संयोग है। इसके लिए मैं अनुराग भाई को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।